नमस्कार किसान भाई, आप सभी लोग हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करने वाले गेहूं की टॉप 5 वेरायटी के बारे में, गेहूं की टॉप 5 उन्नत किस्मों के बारे में, जो 5 ऐसी उन्नत किस्में जिनका हम प्रयोग करके किसान भाइयों की गेहूं की फसल से कम लागत, कम सिंचाई और कम कीटनाशक का प्रयोग करके अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा रिकातोर पैदावार ले सकते हैं, जो कि हमारे काफ़ी किसान भाइयों की पहली पसंद बनी हुई है। वो ऐसी कौन सी वेरायटी जिनके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है, क्योंकि मैं ऐसी वेरायटी के बारे में बताने वाला हूँ कि हमारे जो काफ़ी किसान भाई इन वेरायटी का चयन कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले रहे हैं। अगर आप अगैती बुआई करने जा रहे हैं, तब भी मैं कुछ ऐसी वेरायटी के बारे में बताऊँ कि जिनकी अगैती करके आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं। और दूसरा, अगर आप पछेती बुआई करना चाहते हैं, किसी कारणवश आपका खेत खाली नहीं हो पाया, तो आप पछेती बुआई करके भी बहुत ही ज़बरदस्त रिकातोड़ पैदावार ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे युवा किसान भाई तक शेयर करें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई की ऐसी कौन सी टॉप 5 वेरायटी हैं जिनका हम चयन करके कम सिंचाई, कम लागत, कम कीटनाशक का प्रयोग करके किस प्रकार से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसी वेरायटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि एक ऐसी वेरायटी है किसान भाइयों जिसका आप चयन करके आप अगैती बुआई करना चाहते हैं, तो आप इसकी अगैती बुआई कर सकते हैं। अगर आप पछेती बुआई करना चाहते हैं, तो आप इसकी पछेती बुआई करके भी बहुत ही ज़बरदस्त रिकातोड़ पैदावार ले सकते हैं। तो वो वेरायटी किसान भाइयों DVW 327, ये वेरायटी विकसित वेरायटी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट किसान भाई पिछले साल देखने को मिले और हमारे काफ़ी किसान भाइयों ने हमारे एरिया में इस वेरायटी का चयन करा था, उनकी पैदावार बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आई थी। अब बात करते हैं इसके बीज दर की। किसान भाई, अगर आप अगैती इसकी बुआई करना चाहते हैं, तो आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ एक एकड़ के हिसाब से बीज दर की आवश्यकता पड़ेगी। और आप पछेती बुआई करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको बीज के लिए जो मात्रा बीज की वो आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं कितने दिन में पकड़ के तैयार होती है किसान भाई, तो ये 125 से लेकर 130 दिन में पकड़ के तैयार हो जाती है और इसका जो पौधा होता है वो 88 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक होता है, यानी कि 88 से 90 सेंटीमीटर होने के कारण ये बोनी किस्म होती है, जिस वजह से हमारी गेहूं की फसल विपरीत मौसम में तेज हवाओं के चलने के बावजूद भी ये फसल गिरती नहीं है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़बरदस्त होती है, क्योंकि इसमें भूरा रतुआ, रस्ट, ब्लाइट और काफ़ी सारे हल्दी रोग, बहुत सारी समस्या हमारी गेहूं की फसल में लगती है, वो समस्या इस पर कम लगती है, क्योंकि किसान में इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़बरदस्त है, तो इसमें कम कीटों का अटैक पड़ता है और कम रोग लगते हैं, जिस वजह से हम कम स्प्रे का प्रयोग करके हम अपनी गेहूँ की फसल से अधिक पैदावार ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितनी सिंचाई में हमें करने की आवश्यकता है किसान, ये 3 से 4 सिंचाई में ये पक करके तैयार हो जाती है। अगर आप अच्छी तरीके से आप सिंचाई करते हैं और सही समय, यानी कि सही सिंचाई का साधन है आपके पास, तो आप 3 से 4 सिंचाई में आराम से 4 सिंचाई में आपके पक करके तैयार हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाई की कौन कौन से एरिया में लगा सकते हैं और क्या इसकी पैदावार, तो किसान भाई ये एक एकड़ से कम 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ आराम से इसका उत्पादन, सही तरीके से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करते हैं, सही तरीके से सिंचाई करते हैं, सही तरीके से आप खादों का प्रयोग करते हैं, तो आप एक एकड़ में कम से कम 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ आप इसका उत्पादन निकाल सकते हैं और ये काफ़ी हमारे किसान भाई निकाल रहे हैं। और किसान भाई बात करते हैं कि इसके दाने का जो साइज होता है किसान भाई, एक बाली में 1000 दानों का जो भार तोला गया किसान, वो करीब 46 ग्राम पाया गया, जिस वजह से इसकी बाली मोटी, चमकीली, वजनदार होती है, जिस वजह से इसका उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि इसका कौन कौन से एरिया में इसकी हम बुआई कर सकते हैं, तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम, इन सभी एरियो में इसकी बुआई, सभी स्टेटों में इसकी बुआई आप आराम से कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। अगर आप अगेती बुआई करना चाहते हैं, तब भी बुआई कर सकते हैं, और आप पछेती बुआई करना चाहते हैं, तो तब भी आप इसकी पछेती बुआई कर सकते हैं। अब दूसरी वेरायटी किसान भाई जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी वेरायटी बहुत ही ज़बरदस्त वेरायटी है और काफ़ी हमारे किसान भाई इस वेरायटी के बारे में जानते हैं और बहुत सारे मेरे किसान भाई इस वेरायटी का चयन करते हैं। किसान भाई, अगर आप इस वेरायटी का चयन करते हैं, तो आप भी बहुत ही ज़बरदस्त तगड़ा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई, वो वेरायटी है श्रीराम सुपर की 272, श्रीराम सुपर 272। ये किसान भाई अगैती और पछेती दोनों में आप इसकी बुआई करके और एक समान आप इससे उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि कुछ हमारे किसान भाइयों का मानना होता है कि अगर हम पछेती बुआई करेंगे तो हमारा उत्पादन घट जाता है, तो किसान भाई ऐसा नहीं है। इस वेरायटी में मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप अगैती बुआई करते हैं तब भी आपका उत्पादन वही निकल करके, अगर आप पछेती बुआई करते हैं तब भी आपका उत्पादन सेम निकल करके आया, लेकिन वही चीज़ आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, सिंचाई मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से अपनाना है, तभी आप इससे सेम उत्पादन ले सकते हैं। किसान तो बात करते हैं किसान में इसकी, अगर अगेती बुआई करते हैं तब भी अच्छा पैदावार ले सकते हैं, पछेती आप 25 दिसंबर यानी कि पूरे दिसंबर 1 जनवरी से पहले भी अगर आप बुआई कर देंगे
तब भी आप इससे बहुत ही तगड़ा उत्पादन ले सकते हैं। इसकी बीज दर की बात करें तो आपको एक एकड़ में बीज दर आप अगेती करते हैं तो 40 किलोग्राम, और आप वही पछेती करते हैं तो आपको 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। सिंचाई की बात करते हैं, किसान बीज 4 से 5 सिंचाई में पक के तैयार हो जाती है, और किसान बीज का पौधे का जो साइज होता है वो करीब 100 सेंटीमीटर के आसपास होता है, 100 से 103 सेंटीमीटर के आसपास होता है, जिस वजह से ये फसल गिरती नहीं है, और इसमें किसान में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कोई भी रोग इसमें नहीं लगेगा। और ये किसान में इसकी उत्पादन की बात करें तो एक एकड़ में 25 से 28 क्विंटल एकड़ आप अगेती बुआई करेंगे तब भी ले सकते हैं, पछेती बुआई करेंगे तो तब भी आप इससे उत्पादन ले सकते हैं। और किसान में बात करें तो इसका हम किन किन एरियो में और किन किन मिट्टी में इसका हम बुआई कर सकते हो, किसान भैया आप जहाँ पर आप गेहूँ की खेती होती है जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी जगह पर आप इस बीज की बुआई करके आराम से बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं, और आराम से इसका बीज बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है, तो आप इस वेरायटी का भी चयन करके बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाई तीसरी जो वेरायटी है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त वेरायटी है, थोड़ा अगेती वेरायटी है किसान भाइयों, ये वेरायटी है DVW 222। ये किसान भाइयों अगर बात करें इसकी मात्रा की तो आपको एक एकड़ में 40 से 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। ये 140 से लेकर 145 दिन में पकता है, थोड़ा लेट यानी कि अधिक अवधि वाली वेरायटी है। और इसकी पैदावार की बात करें किसान भाइयों तो इसकी पैदावार बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आती है। और किसान भाई अगर बात करें इसकी बुआई की तो आप अगेती आप बुआई करना चाहते हैं तो आप कम से कम 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक इसकी बुआई कर देते हैं तो आपका जो उत्पादन वो 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ आप आराम से ले सकते हैं। सिंचाई की बात करें तो 3 से 4 सिंचाई में आप आराम से इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एक पौधे में किसान में कम से कम 15 किले निकलते हैं, जिस वजह से इसमें जो बालियाँ होती हैं उनका साइज बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बालियों की संख्या अधिक होती है, इसमें दाने की संख्या होती है, दाना जो मोटा चमकीला वजनदार बहुत ही ज़बरदस्त होता है, जिस वजह से हमारा जो उत्पादन जब निकल करके आता है वो एक एकड़ में करीब 30 से 35 क्विंटल निकल करके आता है। और एक चीज़ और है किसान में इसकी रोटी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, जिस वजह से इसकी मार्केट में प्राइस वैल्यू बहुत ही हाई लेवल पर रहती है हमेशा, इस गेहूँ का मार्केट प्राइस बहुत ही हाई लेवल पर होता है, बहुत ही आसानी से ही बिकता है। तो आप इस वेरायटी यानी कि DVW 222 का चयन करके भी बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान की चौथी वेरायटी, जो किसान में मैं आपको बताने वाला हूँ वो वेरायटी भी बहुत ही ज़बरदस्त वेरायटी है, काफ़ी हमारे किसान में इस वेरायटी का चयन करके बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले रहे हैं। वो वेरायटी किसान में HI की 8759 पूसा तेजस काफ़ी हमारे किसान में इस वेरायटी से अवगत हैं, काफ़ी हमारे किसान में इस पूसा वेरायटी के चयन करते हैं, लेकिन जो HI की 8759 वेरायटी वो बहुत ही ज़बरदस्त वेरायटी है। अगर बात करें इसकी अगेती और पछेती दोनों समय पे आप इसका आसानी से चयन करके ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। बात करें तो इसके पौधे की जो हाइट होती है वो 102 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर होती है, जिस वजह से हमारे मौसम चेंज के कारण हमारी फसल गिरती नहीं है, और उसमें मौसम में जब बदलाव होता है काफ़ी हमारे किसान की बाली का साइज छोटा रहता है, लेकिन इसके बाली का साइज बहुत ही ज़बरदस्त होता है, दाना मोटा चमकीला वजनदार होता है, जिससे हमारा जो उत्पादन वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आता है। किसान की बात करें इसमें सिर्फ 4 से 5 सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ती है, और आप एक एकड़ में बीज दर की बात करें तो आपको 40 से 45 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी, और आप अगेती और पछेती दोनों सीजन में इसका चयन करके बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता किसान में बहुत ही ज़बरदस्त है, जिस वजह से हमें काफ़ी सारे कीटों का स्प्रे करना नहीं पड़ता, जिससे हमारा काफ़ी खर्चा बचता है। तो आप किसान भाई तो इसका आप इस वेरायटी का चयन करके अपनी गेहूँ की फसल से कम 30 से 35 क्विंटल आसानी से 4 सिंचाई करके कम लागत लगा करके आप पैदावार आसानी से ले सकते हैं, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। अब किसान भाई बात कर लेते हैं कि जो पाँचवीं वेरायटी है, ये वेरायटी किसान भाई मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट वेरायटी है, मैंने इसका पिछले साल चयन करा था, और इसका जो चयन करके मेरा जो उत्पादन किसान भाई निकल करके आया था वो करीब 28 क्विंटल, मैं यहाँ पे कोई झूठ नहीं फेंक रहा हूँ किसान भाई, मैं एकदम सच फैक्ट बता रहा हूँ, जो इसका उत्पादन निकल करके आया वो एक एकड़ में 28 क्विंटल प्लस निकल करके आया, 2-4-5 किलो प्लस ही निकल करके आया, और इसमें सिर्फ मैंने 4 सिंचाई करी थी और खाद अच्छी तरीके से लगाई थी, सिंचाई का अच्छी तरीके से प्रयोग करा था, और 4 सिंचाई में ये वेरायटी किसान में हमारी पक्कर के तैयार हो गई थी। बात करते हैं वेरायटी का नाम है DVW 187। एक एकड़ में किसान में आपको 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी, आप अगेती बुआई कर सकते हैं, इसकी पछेती भी बुआई करके बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। सिंचाई इसमें सिर्फ 4 सिंचाई लगती है किसान भाइयों, और इसका बुआई किसान में 10 नवंबर से लेके आप 20 दिसंबर तक आसानी से कर सकते हैं, 30 दिसंबर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके उत्पादन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ किसान भाइयों, क्योंकि किसान में मैंने इसकी अगेती भी बुआई करी थी और कुछ हमारा गन्ने का खेत लेट खाली हुआ था तो मैंने लेट बुआई करी थी, लेकिन इसका उत्पादन सेम निकल करके आया। बाली का साइज की बात करें किसान भाइयों, बाली का साइज बहुत ही ज़बरदस्त था, दाना एकदम मोटा चमकीला वजनदार था, जिससे हमारा जो उत्पादन वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आया।
और उसमें काफ़ी कम रोगों का अटैक पड़ता है। काफ़ी हमारे किसान भाइयों का दिक्कत होती है कि रोगों का अटैक पड़ता है, और एंड समय पर जब मौसम के बदलाव होता है तो हवाएं चलती है, हमारे गेहूं की फसल गिर जाती है। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं देखा गया, क्योंकि इसकी बोनी होने के कारण इसका जो पौधे का साइज 95 से लेकर 100 सेंटीमीटर होता है, जिस वजह से हमारी गेहूँ की फसल बिल्कुल नहीं गिरती है और उसका उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। किसान भाई, इसकी रोटी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, तो ये जो DBW 187 वेराइटी, इसका चयन करके अपनी गेहूँ की फसल से बेहद अच्छा निकातोर पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान, मैंने जो आपको 5 वेराइटी बताई थी, इनमें से कोई भी आप एक वेराइटी लेते हैं, इस वेराइटी का चयन करते हो, तो अपनी गेहूँ की फसल से बेहद अच्छा निकातोर पैदावार ले सकते हैं। मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि ऐसी मैंने जो वेराइटी बताई थी, इन 5 वेराइटी को मैं लगा चुका हूँ, इनसे अच्छा उत्पादन ले चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ कि इनमें से कोई भी वैरायटी करेंगे तो आप कम खर्चा करके, कम सिंचाई करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान, मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। अगर हमारी वीडियो पसंद तो हमारे इस वीडियो को किसान भाइयों अधिक से अधिक हमारे युवा किसान मित्रों को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो हमारी जानकारी हमारे काफ़ी युवा किसान मित्रों तक पहुँच सके, वो अपनी गेहूँ की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकें और अपना टाइम बचा करके कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकें।